नाम का व्यक्ति रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसका बेटा रहता था। वीरेंद्र एक किसान था। वह खेती करके अपना परिवार पाल रहा था। इसके अलावा वह हमेशा एक बात से बहुत परेशान रहता था। वह है उसका बेटा गोलू। गोलू बहुत आलसी लड़का था। वह पूरा दिन सोता रहता था या फिर दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करता था। एक बार वीरेंद्र आराम से बैठा कुछ सोच रहा होता है तो उसकी पत्नी उसके पास आकर उससे बोलती है, सुनिए जी, मुझे तो हमारे बेटे गोलू की बहुत फिक्र होती है। वह दिन ब दिन बहुत ही आलसी होता जा रहा है। बस पूरा दिन सोना या दोस्तों के साथ घूमता रहता है। ऐसा ही रहा तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी मानिए जी, आपको उसे खुद समझाना चाहिए। वीरेंद्र कहता है, तुम सही कह रही हो। एक लौता बेटा होने की वजह से मैंने उसे लाड प्यार में बिगाड़ दिया है। उसे कभी नहीं टोका और हमारा क्या है, हम आज है कल रहेंगे या नहीं, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अभी उसके पास जाके उसकी खबर लेता हूँ। गोलू सो रहा होता है। वीरेंद्र ऊंची आवाज में बोलता है, गोलू उठ जाओ, कितना सोओगे। गोलू आंखें खोलता है और बोलता है, क्या हुआ पापा, आप चिल्ला क्यों रहे हो, मुझे नींद आ रही है, सोने दो ना। तुम हमेशा सोते ही रहते हो। तुमने कभी अपने भविष्य के बारे में सोचा है कि तुम आगे क्या करोगे? ना तुम पढ़ाई पर ध्यान देते हो। मैं इतनी मुश्किलों से खेती करके घर चला रहा हूँ, क्या तुम भी यही करोगे? बताओ मुझे। गोलू कहता है, अरे पापा, ये भविष्य को चिंता मैं नहीं करता। जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी भविष्य किसने देखा है, हमें अपने आज पर ध्यान देना चाहिए। अभी की जिंदगी तो अच्छी कट रही है ना। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे किसी और तरह से समझाना पड़ेगा। वीरेंद्र ने आगे क्या किया ये जानने के लिए आप पार्ट 2 का इंतजार कीजिए।